मैं विक्रम कुमार, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक उसे जरूर करें, मेरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि मेरे स्ट्रेटजी को, मेरे एंड गेम को समझ पाएंगे, तब आप एंड गेम को अच्छी तरह से खेल पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक के पास दो कनेक्टिंग पॉन है और वाइट के पास दो पॉन है, लेकिन वो दोनों बहुत दूर है और किंग का पोजीशन ठीक है लेकिन वो दोनों पॉन बहुत दूर है। तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है, पुरियो को पॉज करके सोचिए कि क्या यहाँ पे ब्लैक जीत सकता है, कि क्या यहाँ मैच ड्रॉ होगा, कि वाइट मैच ड्रॉ कर देगा, कि वाइट मैच जीत जाएगा, उसका क्वीन बन जाएगा, क्या संभावना क्या है, होना क्या चाहिए। अब वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर सोचिए। मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ निर्णय पर जरूर पहुंच गए होंगे। तो यहाँ पे ओपोजिशन का खेल है और सबसे स्ट्रांग पोजिशन दो पॉन, दो ब्लैक के पास दो कनेक्टिंग पॉन है उसका है। तो ब्लैक आइडिया ये लगाएगा कि हम इस पॉन को ही मार दें और इस पॉन को ही मार दें, इस पॉन को ही मार दें और इस पॉन को ही मार दें। ये दोनों पॉन को मारने के लिए उसको ओपोजिशन लेना पड़ेगा और ओपोजिशन देखिए कैसे लेता है ब्लैक और कैसे हराता है वाइट को। और देखिए यहाँ पे देखिए किंग सी, ब्लैक बैक टू प्ले था तो किंग सी सिक्स किया, तो फिर वो ओपोजिशन किंग डी फोर किया, फिर डी सिक्स किया, फिर वो ई फोर किया, डायरेक्ट ओपोजिशन लेते जा रहा है किंग ई सिक्स किया, फिर वो ई थ्री किया यहाँ, क्योंकि ब्लैक के वाइट के पास ज़्यादा स्पेस नहीं है और ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा दूर अगर यो ज़्यादा दूर जाएगा तो ये पॉन प्रमोट हो जाएगा, ये जो पॉन है वो प्रमोट हो जाएगा और क्वीन बन जाएगा, तो ब्लैक ज़्यादा दूर इससे भी ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है। इसी का फ़ायदा, मतलब वाइट ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है, इसी का फ़ायदा ब्लैक उठाएगा क्योंकि ये ब्लैक का पॉन बन जाएगा। तो ब्लैक देखिए फ़ायदा उठा रहा है, वो अब वाइट का इस पॉन को अटैक करेगा जैसा कि हम बोले, तो वो भी कोशिश कर रहा है अटैक करने की, लेकिन वो ज़्यादा दूर जा नहीं सकता है क्योंकि ये पॉन आगे निकल जाएगा और क्वीन बन जाएगा। देखिए तो वो वही स्ट्रेटेजी पे गया जो मैं आपको बोला था, यहाँ पे कोशिश कर रहा है वाइट कि ब्लैक अपना एंट्री ना करे मेरे एरिया में, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, वो धीरे धीरे ब्लैक अपना रणनीति में कामयाब होते जा रहा है। यहाँ देखिए वो कोशिश कर रहा है ऐसा, लेकिन ज़्यादा देर कोशिश नहीं हो सकता क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जैसा ज़्यादा दूर जाएगा ये पॉन जो क्लियर पॉन है, ये सेमी ओपन पॉन है जो फाइल में जो है वो आगे निकल जाएगा और ब्लैक किंग उसको रोक नहीं पाएगा, वाइट किंग उसको रोक नहीं पाएगा। यहाँ देखिए फिर उसके बाद किंग E3 किया, किंग F5 किया, इसी का फायदा ब्लैक उठाएगा। और यही चीज आपको बोर्ड में खोजना है कि कहाँ पे वीकनेस है और वो छोटा वीकनेस को थ्रेड देके उससे मिस्टेक करवाना है, यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ देखिए ब्लैक धीरे धीरे ओपोजिशन ले रहा है क्योंकि वाइट के पास कोई मूव नहीं है सिर्फ किंग हिलाने के सिवा, और ब्लैक के पास एक मूव है, तो यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन आपको ये दो कनेक्टेड पॉन को हमेशा रखना है जब तक कि किंग उसके एरिया में है, और जब वो के एरिया से बाहर होगा तब वो आप पॉन को आगे प्रमोट कर सकते हैं, ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ देखिए किंग C2 किया, तो यहाँ पे किंग C4 किया, यहाँ पे B2 किया, तो यहाँ पे एंट्री करके D4 किया, फिर C2 किया, तो यहाँ पे E3 किया। इस तरह से किंग देखिए धीरे धीरे आके अब इस पॉन को मारेगा, वो तब भी रुकने का कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर ये रुकेगा नहीं, किंग D3 आ गया, फिर वो वहाँ पे किया, तो फिर किंग D2 करके फिर डायरेक्ट ऑपरेशन लिया, यहाँ पे फिर किया, तो यहाँ पे किंग C1 करके हमको उसका एरिया को बंद करना है। किंग A2 किया, तो फिर हम यहाँ गए किंग C2 पर, जब वो किंग A1 गया तो फिर हम किंग B3 पे गए और अब हम इसका ये पॉन को कैप्चर करेंगे। देखिए अब ये कैप्चर किया तो मेरे पास दो पॉन हो गया, और अब क्या है देखिए, अगर वो कहीं भी रखता है, यहाँ वहाँ कहीं भी रखता है, तो हम यहाँ आते हैं, तो वो यहाँ रखता है, तो हमें सिंपली अपना ये पॉन को आगे पुश कर देंगे। अब क्या है कि वो हार जाएगा, कैसे हार जाएगा आपको मैं दिखाता हूँ। वो यहाँ गया तो अब उसके बाद चांस क्या रहा, वो ये किया तो यहाँ पे क्या होना है, ये होना है हम पॉन पुश कर दिए ऐसा वाला, फोर्सली यहाँ जाना पड़ा, हम यहाँ आए
फिर वो यहाँ आया तो हम यहाँ आए, फिर वो यहाँ आया तो फिर हम यहाँ आए, फिर वो यहाँ आया तो हम यहाँ पे आ गए, जब वो यहाँ आया हम ये पॉन को पुश किए, जब वो यहाँ आया तो क्या करना है, उसको फोर्स कर दिए, यहाँ हम पुश कर दिए, वो नहीं आ पा सकता, वो यहाँ गया, हम यहाँ क्वीन बना लिए, देखिए क्वीन बन गया मेरा, और इस तरह ये मैच हम जीत गए और जीत जाएंगे, क्योंकि मेरे पास क्वीन आ जाएगा, मेरा डबल क्वीन आ जाएगा और उसको मेट कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर, धन्यवाद।